नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज़ में। दोस्तों आज भी जो है आप सभी के लिए काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग आईपीएल की और क्रिकेट की सारी अपडेट्स आ रही है, तो आप लोग जो है वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोग सच्चे वाले आईपीएल के क्रिकेट के फ़ैन हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। बगल में आपको घंटी का बटन दिख जाएगा, उसको भी याद से दबा दीजिए। शुरुआत करते हैं आज हम लोग सबसे पहले कुछ खबर की। ये खबर आ रही है भाई वरुण चक्रवर्ती और कमलेश नगरकोटी को लेके। दोनों जो है केकेआर के प्लेयर फिलहाल ये लोग मौजूद है बेंगलुरु के एनसीए स्टेडियम में। इनका जो रिहैब का प्रोसेस है, इनका जो रिकवरी का प्रोसेस है, वो फिलहाल चालू है आईपीएल से पहले, जिसको लेके जो है वरुण चक्रवर्ती ने इस बात को खुद मतलब कन्फर्म कर दिया कि वो 100% फिट है और आईपीएल में खेलने को लेके तैयार है। वहीं जो है भाई आरसीबी के गेंदबाज नवदीप सैनी को जो है भाई श्रीलंका के दौरे पर चोट लगा था, उसके बाद जो है नवदीप सैनी भी फिलहाल बेंगलुरु की एनसीए में मौजूद है। इनका भी जो है रिहैब का प्रोसेस चालू है और फिलहाल जो है देख के अच्छा लग रहा है कि नवदीप सैनी जो है अपनी प्रैक्टिस को चालू कर दिए हैं आईपीएल से पहले, तो काफी हाई चांस है कि सैनी जो है हमको आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं हम लोग क्रिस गेल की। तो भाई क्रिस गेल ने भी जो है खुद इस बात को कंफर्म कर दिया कि हाँ वो आईपीएल 2021 में हमको खेलते हुए दिखाई देंगे पंजाब के लिए। गेल ने इस बात को खुद भाई कंफर्म कर दिया। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो भाई यहाँ पे जो है दिल्ली कैपिटल्स के लिए समस्या है कि आखिरकार वो लोग कप्तान किसको रखे। जब श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे थे तब सिंपल सी बात थी, ऋषभ पंत को दिल्ली की टीम ने कप्तान बनाया और उनके कप्तानी में जो है दिल्ली की टीम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी की थी, खेल भी दिखाई थी। लेकिन अभी क्या है, अब भाई अय्यर फिट है और वो भी आईपीएल में खेलने को लेकर तैयार है, जिसके बाद जो है दिल्ली की होती है मैनेजमेंट, उन लोग ऐसा बोल दिए हम लोग अभी भी फिक्स नहीं है, हम लोग अभी भी श्योर नहीं है, कुछ भी डिसाइड नहीं किए हैं कि आखिरकार हम लोग दिल्ली का जो कप्तान है वो किसको बनाएंगे, क्या वो पंत होंगे, क्या वो अय्यर होंगे। इसको लेके जो अभी तक दिल्ली की टीम ने कोई भी सोच विचार नहीं किया है। तो भाई आपके हिसाब से ऋषभ पंत या फिर श्रेयस अय्यर कौन होना चाहिए दिल्ली कैप्टन, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट की, यानी कि भारत में जो है डोमेस्टिक क्रिकेट चालू हो रहा है, तो मैं जो है आप सभी को इसके बारे में आराम से समझा देता हूँ। सबसे पहले जो है भाई भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत है वो होने वाली है सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी से, जहाँ पे जो है मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है वो चालू होने वाली है 27 अक्टूबर से, यानी कि 27 अक्टूबर से जो है मुश्ताक टूर्नामेंट चालू हो जाएगा। उसके बाद जो है भाई आने वाला है अपना विजय हजारे ट्रॉफी और ये जो है 1 दिसंबर से चालू हो जाएगा। और लास्ट में जो है भाई और सबसे बेस्ट आने वाला है रणजी ट्रॉफी, जहाँ पे जो है भाई 5 जनवरी से हमारा रणजी ट्रॉफी चालू होगा 2022 में, यानी कि 5 जनवरी को ट्रॉफी चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको न्यूज़ अच्छी लग रही है तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो है ना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके फ़ायदे आपको बहुत है। आपको जो है सबसे पहली क्रिकेट की अपडेट क्या हलचल है सबसे पहले आप सभी को वहीं पर मिलती है, तो आप लोगों को भाई करना कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, इसको जो है आपको क्लिक करना है और ज्वाइन कर लेना है। अब बात करते हैं मुंबई और चेन्नई की। तो भाई दोनों टीम्स फिलहाल अपनी ट्रेनिंग चालू कर दिए हैं, तो जो चेन्नई की टीम है वो फिलहाल जो आईसीसी का एकेडमी है यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रही है। बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई की जो टीम है वो शेख जईद स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आरसीबी के लिए अपडेट आ रही है कि जो आरसीबी के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे केन रिचर्डसन, इस बात को कंफर्म कर दिए रिचर्डसन फिलहाल अनअवेलेबल है, वो आईपीएल में नहीं आएंगे, नहीं खेलेंगे। तो भाई एक बात कंफर्म है, आरसीबी के तेज़ गेंदबाज केन रिचर्डसन आईपीएल में नहीं आएंगे, वो नहीं खेलेंगे। लेकिन वहीं पे जो है एडम जेम्पा जो है अभी भी श्योर नहीं है, यानी कि जेम्पा जो है अभी तक कोई भी फैसला नहीं कर पाए हैं कि उनको आना है कि नहीं आना, मतलब कि जेम्पा जो है फिलहाल बीच में फंसे हैं। जेम्पा आ भी सकते हैं, जेम्पा नहीं भी आ सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई भी अभी तक न्यूज़ नहीं है जेम्पा के ऊपर। लेकिन जो भाई केन थे रिचर्डसन, इनकी न्यूज़ कन्फर्म है कि ये नहीं आएंगे। तो दोस्तों वैसे जो है क्रिकेट ऑजिस की बोर्ड ने इस बात को कन्फर्म कर दिया, पैट कमिंस, केन रिचर्डसन, जाई रिचर्डसन, रैली मेरिदित, जितने भी जो है ये 4 ऑसिस के प्लेयर कंफर्म कर दिए कि भाई ये लोग आईपीएल 2021 फेज 2 में अनअवेलेबल है, ये लोग नहीं आ पाएंगे। यानी कि जो है भाई ये 4 ऑसिस के प्लेयर कंफर्म है कि ये नहीं आ पाएंगे। जहां पर उसको जो है क्रिकेट ऑसिस ने ये तक बोला
कि उनके जो है अभी हाल ही में जो डेब्यू किए थे, जो अपने डेब्यू पे हैट्रिक लिए थे T20 में, नेथन एलिस, ऐसा बोल दिए नेथन एलिस को जो है कोई एक फ्रेंचाइज ने भाई रिप्लेसमेंट के तौर पे साइन किया है अपने टीम में। हालांकि जो ऑसिस की बोर्ड थी उन्होंने उस टीम का नाम रिवील नहीं किया कि आखिरकार वो कौन सी टीम है जिसको नेथन एलिस को साइन किया है, उस टीम का नाम रिलीज नहीं हुआ है। हालांकि अगर आप देखोगे एक बात, तो हम लोग जो है पंजाब के दो ऑसिस के गेंदबाज उनके टीम में थे, यानी कि पंजाब के जो है जाय रिचर्डसन और भाई रैली मेरेदीत, ये दोनों जो है ऑसिस के खिलाड़ी थे, ये लोग पंजाब के टीम में थे, लेकिन अब ये लोग अनअवेलेबल हैं। तो हो सकता है पंजाब की टीम ने ये दोनों प्लेयर में से किसी एक का जो रिप्लेसमेंट है वो नेथन एलिस को साइन किया हो आने वाले IPL में, ऐसा भी हो सकता है, काफ़ी हाई चांस है। अब बात करते हैं कुछ स्क्वाड्स की, यानी कि टीम के स्क्वाड की। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के T20 सीरीज की। तो भाई यहाँ पे जो है बांग्लादेश की टीम ने अपना T20 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है वर्सेस न्यूजीलैंड, जहाँ पे जो है उनके लेजेंडरी खिलाड़ी, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी मुशफिकर रहीम जो है उनके T20I स्क्वाड में वापसी कर चुके हैं। आप लोग पूरा स्क्वाड देख सकते हो। वहीं भी आप बात करते हैं जिम्बाब्वे के स्क्वाड की, यानी कि जिम्बाब्वे का जो मैच होने वाला है वर्सेस आयरलैंड और स्कॉटलैंड, यानी कि जिम्बाब्वे जो है दौरा करने वाली है आयरलैंड और स्कॉटलैंड का, जिसके लिए जो उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। तो भाई वहां पे जो है आप लोग स्क्वाड देख सकते हो, जिसके अंदर जो है सीन विलियम, ब्रेंडम टेलर और क्रेग एरविन, तीनों जो है जिम्बाब्वे के मेन प्लेयर, इनके स्क्वाड में वापसी कर चुके हैं। दोस्तों एक बात तो हम सभी को पता है कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में वनडे की सीरीज होने वाली है श्रीलंका के देश में, कंफर्म है। लेकिन पाकिस्तान की बोर्ड ने जो है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, शाहिन शाह अफरीदी, ये चारों जो है उनके मेन प्लेयर को आराम दिया है, रेस्ट दिया है वनडे सीरीज के लिए वर्सेस अफगानिस्तान। एट दी एंड बात करते हैं हम लोग श्रीलंका टूर ऑफ ओमान, जहां पे जो है T20 वर्ल्ड कप से पहले जो है श्रीलंकन टीम जाने वाली है ओमान के दौरे पे, वहां पे खेलेगी दो T20 मैच की सीरीज। ये जो है श्रीलंकन और ओमान दोनों टीम्स की जो है वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस होगी, तो श्रीलंकन टीम दो मैचेस खेलने वाली है T20 के वर्सेस ओमान। अब बात करते हैं हमारे आज के फैक्ट की। दोस्तों क्या आप सभी को पता है टेस्ट क्रिकेट में फिलहाल जो एक्टिव प्लेयर है, एक्टिव प्लेयर मतलब कि वो प्लेयर जो कि फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहा है, तो भाई क्या आप सभी को पता है टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार कौन सा प्लेयर हुआ है बोल्ड आउट, यानी कि वो जो प्लेयर है सबसे ज़्यादा बार बोल्ड आउट हुआ है एक्टिव प्लेयर में टेस्ट में, वो है भाई इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड, जहाँ पर जो है स्टुअर्ट ब्रॉड फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में 40 बार बोल्ड आउट हो चुके हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट है एक्टिव प्लेयर में जो कि फिलहाल मैचेस खेल रहे हैं। ये थी हमारी आज की न्यूज़, वीडियो और फैक्ट मैंने आप सभी को दे दी। आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना कंपलसरी है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।